हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेमिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग कुछ यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो यहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग का यहाँ पे 12वां मैच होगा फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे खेला जाएगा चट्टगम चैलेंजर वर्सेस ढाका प्लेटून्स के बीच में। उसकी मैं यहाँ पे आपको ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम, साथ में आपको यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो फ्रेंड्स, कौन सी ग्रैंड लीग ऐसी है जहाँ पे आप लोग इजिली विन कर सकते हो, और फ्रेंड्स कौन से ऐसे प्लेयर जो आपके लिए एज ए ग्रैंड लीग में की प्लेयर साबित होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं लगभग आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी जो प्रीवियस टीम हमारी रही फ्रेंड्स, उसका क्या परफॉर्मेंस हमारा रहा। तो आप लोग जितने भी हमारे यहाँ पे बीपीएल के मैच हुए फ्रेंड्स, उन सब मैचों को आप लोग देखने के लिए आप लोग ये हमारा चैनल है फ्रेंड्स, यहाँ पे बीपीएल ड्रीमर एंड माई फेवरेट के नाम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसकी जितनी भी फाइनल टीम रहती है वो सारी टीम आपको यहाँ पे मिलती है। आप लोग यहाँ पे जाके हमारी टीम का परफॉर्मेंस देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट डिफरेंस भी आप लोग देख सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे मैच हम हारते हो, यहाँ पे देख सकते हो एक मैच हम यहाँ पे हारे हुए फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम मैच जो रहते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे विन करते हैं। और फ्रेंड्स विन करने का क्या रीज़न है, आप लोग ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको विन करने का रीज़न भी पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों हर एक मैच में लगभग, मतलब हम लोगों का जो विनिंग परसेंटेज है वो 90% कैसे रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीधा मैच की तरफ। तो यहाँ पे बात करूँ तो फ्रेंड्स फेवरेट टीम हमारी होगी यहाँ पे चैलेंजर्स, क्योंकि आपको पता है चैलेंजर्स सबसे टॉप पे चल रही है। चार में से फ्रेंड्स सिर्फ एकमात्र मैच यहाँ पे हारी है, और जो आज का मैच भी आप लोगों ने देखा होगा चैलेंजर्स का, तो किस तरीके से यहाँ पे चार विकेट से चैलेंजर्स ने विन के लिए थे। 18 ही ओवर में यहाँ पे चैलेंजर्स ने इजिली यहाँ पे चेज कर लिए थे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे बात करूँ ढाका प्लेटून की, तो इन्होंने भी तीन में से दो मैच विन किए, एक मैच हारा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ढाका प्लेटून भी इस बार काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही, तो काफ़ी रोमांचक ये मुकाबला हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है चट्टगम का जो ये मैच हो रहा है चट्टगम में, तो वहाँ पे चेजिंग काफ़ी इजी हो रहा है, तो आपको टॉस के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स यार मैं बेसिकली आपको एक ही बात कहूँगा, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऐसे मैच है फ्रेंड्स कि टॉस के बाद कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई भी प्लेयर यहाँ पे आके खेल सकता है, बैटिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो यार आपको टॉस के बाद अगर आप लोग एक्टिव नहीं रह सकते तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप लोग अभी से टीम बना के रख लेते हो फ्रेंड्स और लीग ज्वाइन करके रख देते हो। टॉस के बाद आपके पास टाइम नहीं है तो यार आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे हार जाओगे। तो बात करेंगे सीधा टीम की फ्रेंड्स, तो टीम को यहाँ पे फ्रेंड्स एक स्मॉल लीग की टीम आप लोग के लिए बना के रखी है, साथ में आपको यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए सजेशन दे दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे टीम बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे बात करूँ विकेट कीपर सेक्शन में, तो दो विकेट कीपर के साथ में गया हूँ यहाँ पे चैडविक वॉल्टन, आपको पता होगा फ्रेंड्स जितने भी आए थे यहाँ पे चैडविक वॉल्टन ने खेले सिर्फ एक मैच में फ्रेंड्स, यहाँ पे चैडविक वॉल्टन का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब मिला जुला ही परफॉर्मेंस रहा, उतना खास इनका कोई भी परफॉर्मेंस रहा नहीं, लेकिन एक मैच में बहुत अच्छा यहाँ पे चैडविक वॉल्टन का परफॉर्मेंस रहा, तो इसलिए फ्रेंड्स चैडविक वॉल्टन को हम लोग बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे अरिबुल हक की बात करो तो फ्रेंड्स पिछले मैच में बहुत अच्छी यहाँ पे पारी यहाँ पे खेली थी यहाँ पे अरिबुल हक ने, देख सकते हो फ्रेंड्स दो मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे अरिबुल हक ने किया। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे बात अनुमुल हक ने किया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन आप लोग तीनों मैच में इनके कंसिस्टेंसी को आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। बात करेंगे यहाँ पे और ऑप्शन की, तो यहाँ पे नूरुल हसन भी आपके पास अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड्स, पिछले मैच में यहाँ पे 35 रन मारे थे, तो काफ़ी मतलब नीचे थोड़ा बैटिंग करने आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग चारवें या पाँचवें नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो यार फिर भी यहाँ पे आके देख सकते हो, जब भी इन्हें मौका मिला तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे नूरुल हसन कर रहे हैं, तो आप चाहो तो स्मॉल लीग में इन्हें ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि चैलेंजर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तो उस केस में यहाँ पे नूरुल हसन आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे पारी खेल के दे सकता है। तो ग्रैंड लीग के लिए स्पेशली आपको एक टीम ऐसी बनानी है जिसमें आपको चैलेंजर्स का टॉप ऑर्डर फेल करना है, और नूरुल हसन को उस टीम में आपको लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना लेकिन आपको लेना है बस। अब बात करेंगे थोड़ा बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग सेक्शन में आप लोग देख सकते हो तीन बैट्समैन के साथ में गया हूँ, तामिम इकबाल, लिटिल सिमोन्स और इमरुल केज। इमरुल केज आपको पता है कि पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था, इमरुल केज अभिषेका फर्नांडो दोनों आपके पास ऑप्शन है, अभिषेका फर्नांडो भी पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे बात करूँ लिटिल सिमोन्स की, तो उन्होंने शानदार यहाँ पे 45 रन की पारी खेली थी फ्रेंड्स, इसलिए लिटिल सिमोन्स हमारे लिए काफ़ी मस्त चॉइस हो जाती है। फिर यहाँ पे तामिम इकबाल की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉर्म है, दो मैचों से कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है तामिम इकबाल का फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे बात करूँ और ऑप्शन की, तो लॉरी इवेंस आपके पास अल्टरनेट चॉइस है, लेकिन तीनों मैचों में यहाँ पे लॉरी इवेंस का कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा नहीं मुझे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा लॉरी इवेंस को। आप लोग इस अपनी स्मॉल लीग की टीम में ले, हाँ आप लोग ले सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में, तो आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। ऐसे का फर्नांडो फ्रेंड्स एक अच्छे ऑप्शन है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इस सीजन में इनका फॉर्म उतना अच्छा दिखा नहीं, जिस लेवल का ये प्लेयर है उतना अच्छा अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तो हो सकता है इस मैच में आपको बेस्ट देते हुए नजर आ जाए। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ग्रैंड लीग की एक टीम में आपको अभिषेका फर्नांडो को लेना है और कैप्टन भी बनाना है। ग्रैंड लीग के लिए नंबर वन चॉइस कैप्टन की मेरी तरफ से या फिर अभिषेका फर्नांडो रहने वाली है।
दूसरी चॉइस की बात करूँ तो लॉरी इवेंस रहने वाली है। तीसरी चॉइस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे नूरुल हसन को ले सकते हो, लेकिन ये कैप्टन की चॉइस नहीं है। बात करूँगा यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में देख सकते हो फ्रेंड्स दो ऑलराउंडर के साथ में गया हूँ, तीसरा परेरा और महमूदुल्ला। महमूदुल्ला भी फ्रेंड्स पिछले मैच में पूरी तरह फ्लॉप हो गए थे, लेकिन काफ़ी बड़े प्लेयर हैं इसलिए हम इनको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स अगर कोई बड़ा प्लेयर फ्लॉप होता है पहले मैच में तो दूसरे मैच में लोग उन्हें लेते ही नहीं है, कई लोग उनको ड्रॉप कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे इसी तरह महमूदुल्ला के साथ भी 43% लोगों ने इनको लिया होगा। और आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स महमूदुल्ला किस लेवल के प्लेयर हैं, किस लेवल के बैटिंग करते हैं और किस लेवल के यहाँ पे बॉलिंग करते हैं। तीसरा परेरा के बारे में खैर आप लोग जानते ही फ्रेंड्स कैसा इतने सारा परेरा का यहाँ पे फॉर्म चल रहा है। एक मैच में यहाँ पे फ्रेंड्स शानदार 5 विकेट निकाले थे, तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो किस लेवल के ये भी प्लेयर है। फिर यहाँ पे साइन अफरीदी की बात करूँगा तो फ्रेंड्स कंटिन्यू 2 मैचों में खिलाया गया लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए पिछले मैच में इनको ड्रॉप कर लिया गया। अगर खेलते हैं फ्रेंड्स तो ग्रैंड लीग में आप लोग जरूर ट्राई करिए, कैप्टन के भी अच्छे दावेदार। अगर टॉस के बाद साइन अफरीदी खेल रहे हैं तो आपको एक टीम में लेकर डायरेक्टली कैप्टन भी इन्हें बना लेना है। बात करूँगा और ऑप्शन की, तो ए है कि आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है लेकिन बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बस ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। फिर आर बल से भी आपके पास एक अल्टरनेट चॉइस है लेकिन ये भी कुछ खास इस सीजन में कर नहीं पाए फ्रेंड्स, अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में आप लोग ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे नासिर हसन है फ्रेंड्स, नासिर हसन को भी आप लोग सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, पिछले मैच में ऐसे भी टीम ने ड्रॉप किया था। एक और अच्छे ऑप्शन फ्रेंड्स आपके पास है यहाँ पे एम अली, तो एम अली का परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे फ्रेंड्स तो 4 मैच खेले थे जिसमें से 2 मैचों में इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, सॉरी 3 मैचों में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, तो आप लोग इनको ले सकते हो फ्रेंड्स। एक कंटिन्यू मतलब आपको 1 विकेट निकालता हुआ या फिर 2 विकेट या फिर 3 विकेट ऐसे निकालते हुए आपको नजर आएंगे, कैच कुछ भी अच्छे पकड़ लेते फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे एम अली के साथ आप लोग जा सकते हो। स्पेशली ग्रैंड लीग में आपके क्रेडिट मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ए अली आपके पास अल्टरनेट चॉइस हो सकते हैं। बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन के, तो बॉलिंग सेक्शन में दोनों टीमों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे रुबेल हसन की, मोहम्मद मुस्तफ़े मर्तजा की, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे अच्छे बॉलर इनके पास है। और स्पेशली जो पिछले मैच में आपको पता होगा यहाँ पे कमबैक किया था एम हसन राणा ने, तो फ्रेंड्स एम हसन राणा ने किस तरीके से यहाँ पे बॉलिंग की थी आप लोग देख सकते हो, 130 पॉइंट अपनी टीम के लिए लाए थे, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो किस लेवल के ये बॉलर है। तो फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ पे तीसरे चौथे बॉलर हैं देख सकते हैं हसन महमूद, तो फ्रेंड्स इस जनों ने पिछले मैच में यहाँ पे काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ। आप इनकी जगह फ्रेंड्स अगर चाहो तो किसी और को भी आप लोग ले सकते हो, जैसे आप लोग यहाँ पे एन अहमद को ले सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक कॉम्बिनेशन को सेटअप करने के लिए 2 बॉलर मैंने चैलेंजर्स के, 2 बॉलर मैंने यहाँ पे ढाका के ले लिए हैं, तो इसलिए टीम का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों इनको लिया है फ्रेंड्स। तो बात करूंगा और ऑप्शन की, तो वहाब रियाज आपके पास अल्टरनेट चॉइस है ग्रैंड लीग के सबसे अच्छे दावेदार, मैं कहूंगा कि आप लोग यहाँ पे ले सकते हो ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग, आप यहाँ पे वहाब रियाज के साथ आप लोग ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं फ्रेंड्स यहाँ पे अभी के लिए अपनी टीम में वहाब रियाज को नहीं ले पाया हूँ, इसका एक ही रीज़न है कि मैं थोड़ा अपना क्रेडिट यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाया। क्रेडिट आपको कैसे मेंटेन करना है, या तो आप लोग यहाँ से महमूदुल्ला को ड्रॉप कर लें जैसे कि मैक्सिमम लोग करने वाले हैं, या फिर आप लोग फ्रेंड्स यहाँ से कर सकते हो किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप, जैसे कि आप लोग सिमोंस या फिर इमरुल गेज को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ से चाहो तो वॉल्टन को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, तभी आप लोग क्रेडिट को मेंटेन कर पाओगे फ्रेंड्स। ये ऐसा मैच है कि जहाँ पे आपको सारे प्लेयर लेने का मन करेगा लेकिन आपको लेने सिर्फ 11 ही हैं। बात करूंगा या फिर और बॉलर की, तो के विलियमसन भी आपके पास, आपको पता होगा किस लेवल का ये भी बॉलर है, हर एक मैच में फ्रेंड्स आपको विकेट निकालते हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही, यहाँ पे आपको 2, 3, 5 विकेट तक निकालने की इनके अंदर एफिशिएंसी है। फिर या फिर बात करूँ तो एम हसन भी आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है फ्रेंड्स, 2 मैचों में काफ़ी शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया था लेकिन पिछले मैच में कोई भी विकेट इन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन काफ़ी अच्छे बॉलर है। फिर आर एमरेट फ्रेंड्स अगर खेलते हैं, अगर इन्हें खिलाया जाता है, वैसे तो 2 मैचों से खिलाया नहीं जा रहा फ्रेंड्स, अगर खिलाते हैं तो ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, अभी से बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर खेलते हैं तो यार आप ग्रैंड लीग में डेफिनेटली इनके साथ जाइए। अब बात करेंगे यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कैप्टन यूनिवर्सल होने वाले हैं तामिम इकबाल, और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो फ्रेंड्स वाइस कैप्टन में लेने वाला हूँ यहाँ पे महमूदुल्ला को। मैक्सिमम वाइस कैप्टन यहाँ पे जो चॉइस होने वाली है वो होने वाली तीसरा परेरा, लिडिल सिमोंस, एमरल केज, ए हक, तो ये फ्रेंड्स ये 4 ऐसे ऑप्शन है जो आपको मैक्सिमम टीमों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे महमूदुल्ला आपको शायद ही किसी टीम में मिले। और आपको पता है फ्रेंड्स कि 5% रिस्क मैं हमेशा अपनी टीम में लेता हूँ, और आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग 5% रिस्क लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप लोग बिल्कुल भी सेफ टीम के साथ जाते हैं फ्रेंड्स तो आपके जीतने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग वही 5% रिस्क लेते हो फ्रेंड्स तो हो सकता है कि 10 में से आप लोग 3-4 मैच 3 या 4 मैच हार जाओगे, लेकिन 6 मैच या 7 मैच
हो सकता है कि आप 10 के 10 मैच भी आप लोग डेफिनेटली विन कर लोगे। तो यही स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स आजकल स्मॉल लीग विन करने की, बाकी कोई भी ज़्यादा बड़ी स्ट्रैटेजी तो मुझे लगती नहीं है स्मॉल लीग में। तो इस टीम के साथ मैं जाऊँगा फ्रेंड्स, आप भी इसी टीम के साथ जा सकते हो हेड टू हेड या फिर 3 मेंबर में आप लोग इस टीम को ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा मेंबर में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा मेंबर के साथ इस टीम के साथ जाइए। हो सकता है कि एक आध आप लोग 4 मेंबर की ट्राई कर सकते हो, लेकिन टॉस के बाद आपको एक्टिव जरूर रहना फ्रेंड्स, क्योंकि टॉस के बाद बहुत सारे चेंजेस टीम में होने वाले हैं। अगर टीम में कुछ भी चेंज हुआ तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ मटेरियल रखा हुआ फ्रेंड्स। फिर आप लास्ट में बात करेंगे फ्रेंड्स एक ऐसी वेबसाइट की जो कि बिल्कुल ड्रीम इलेवन की तरह है, वही पॉइंट सिस्टम है, वही फ्रेंड्स यहाँ पे टीम आपको सेम टू सेम लगानी है। फिर मैं इस टीम इस ऐप को क्यों यहाँ पे कह रहा हूँ आपको यहाँ पे खेलने का, तो आप लोग यहाँ पे हेड टू हेड में जाओगे तो आपको 5280 की जो लीग दिख रही है जिसमें कि 10,000 आपको रिटर्न मिल रहे हैं, दो टीम है, वही लीग अगर आप लोग ड्रीम इलेवन में देखोगे तो आपको 5700 कुछ रुपये की मिलेगी, यानी आपके 480 रुपये आपके यहाँ पे बच रहे फ्रेंड्स। तो 480 रुपये बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आप लोग अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपका कम हो रहा है, रिटर्न आपको 10,000 ही मिल रहा है ड्रीम इलेवन में भी यहाँ पे भी, तो यार आप लोग खुद इससे आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पे आपका कम इन्वेस्टमेंट हो रहा, तो आपको एक राइट चूज करना है। बाकी भी लीग आप लोग यहाँ पर कंपेयर करोगे जैसे 4475 के जिसमें आप लोग 5% भी बोनस भी यूज कर सकते हो, सारी लीग अगर आप लोग कंपेयर करोगे फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ड्रीम इलेवन तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेस दिखेगा ड्रीम इलेवन के अकॉर्डिंग। और बात करो कंपटीशन की, तो कंपटीशन आपको बताया ड्रीम इलेवन में 7 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स मुश्किल से 5 या 6 लाख लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 ही लाख मान लो आप लोग, 7 लाख लोग होंगे, तो 7 लोग में आप लोग जीत पाओगे या 7 करोड़ में ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो। फिर बात करो फ्रेंड्स इनके बोनस की, तो बोनस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 33,333 तक बोनस आप लोग कमा सकते हो, और 6,000 का बोनस आप शुरू में यानी 5,999 आप शुरू में यहाँ पे बोनस कमा सकते हो, यानी लगभग आपका 40,000 यहाँ पे बोनस आप लोग आते ही कमा सकते हो फ्रेंड्स अगर आपके पास अगर आप लोग लॉन्ग टर्म तक खेलने वाले हो तो। और दूसरी बात करो इनके कैश बोनस की, तो फ्रेंड्स कभी भी ये एक्सपायर नहीं हो सकते, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो कि कैश बोनस नेवर एक्सपायर। तो यार आप लोग 10 साल 20 साल जब तक चाहो यहाँ पे खेल सकते हो उस कैश बोनस से, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग उस कैश बोनस को एज ए सेविंग अमाउंट के रूप में भी चेक कर सकते हो। बात करूँगा इनके रेफर एंड अर्न की, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका रेफर एंड अर्न प्रोग्राम है फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे फैंटासी क्रिकेट गुरु कैसे यहाँ से लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और हर दिन का 30,000 जैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है किस तरीके से कमा रहे हैं, तो आप लोग भी उस चीज़ को फॉलो करके आप लोग भी यहाँ से लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। बस आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और जिन लोगों ने अभी तक भी माई फैमिली को डाउनलोड नहीं किया यार वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी, जाइए और अभी के अभी वाई फाई उनको डाउनलोड कीजिए। आप लोगों ने इतने एडवांटेज तो ऑलरेडी देख लिया, बाकी आप लोग खेलोगे तो आपको खुद यहाँ पे एडवांटेज आपको दिख जाएंगे। रेफर कोड आप लोग जरूर डालना क्योंकि आपको 50 रुपये का बोनस मिल जाएगा जिससे आप लोग यहाँ पे ऑनली ट्राई तो कर सकते हो एक बार, तो आप लोग जरूर करिए फ्रेंड्स। तो यार इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक फ्रेंड्स।